दोस्तों अभी मतलब कि आप देख सकते हैं चौक में पहुंच चुके हैं और जो कि अंब का कॉलेज है और अंब का हॉस्पिटल है वो इस साइड है। चाचू जी देख के हंस रहे हैं, चाचू जी है तो इस साइड मतलब अंब का कॉलेज और मतलब अंब का हॉस्पिटल इस साइड है और इस साइड अपना हाई स्कूल है मतलब सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो कि अंब का स्कूल है वो इस साइड है नहरिया रोड जाके। हाय भाई और साहिल काजला जी क्या चल रहा है? बस भाई ठीक, आप बताओ ठीक हो? आइए साहिल काजला जी आज हमारे पास आए हैं। थैंक यू सो मच भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें तो थोड़ा टाइम हुआ लेकिन आपको तो काफी टाइम हो गया है, तो अभी तो हमें तो 6-7 महीने हुए हैं और ये भाई तो 4-5 साल का काफी पुराना एक्सपीरियंस है इसके पास। सर मैं एक और बोल रहा हूँ, अगर आप दोस्तों अगर आपकी भी सोच ऐसी है ना कि जैसे मैं बोलता हूँ तो ऐसे ही मेरे को सुनने को मिला कि यार दोस्तों हम यहाँ पे पहुँच गए, हम वहाँ पे पहुँच गए, हम बाबा जी के यहाँ पे आए हैं, अगर मैं धार्मिक लोग रहता हूँ हम ब्यास में आ रहे हैं तो हम अभी यहाँ पे पहुँच गए हैं, तो बीच में कई बोलते हैं कि हम क्या करें। तो भाई मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको कि आप देखो ना, मैं आप तक ये चीज़ पहुँचा रहा हूँ भाई, मैं हाई लेवल एक मतलब कि ऑल मतलब कि अपनी जो मैं जहाँ तक कर सकता हूँ भाई मैं अपना कंटेंट डालता हूँ, जिसको पसंद आता है वो देखते हैं, अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है तो मैं कौन सा आपको जोर भरी आपके फ़ोन में डाल रहा हूँ उस चीज़ को, ठीक है, मैं अपना अपने प्लेटफॉर्म में डाल रहा हूँ, ठीक है, तो जो अगर जिसको अच्छा लगता है वो आके देखता है और सपोर्ट भी करता है, तो मैं भाई जोरों भर किसी के फ़ोन में अपना कंटेंट नहीं डालता हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, जिसको अच्छा लगता है वो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इतनी दूर दूर से बंदे यार सपोर्ट करते हैं और इतना आप प्यार करते हो, है ना, तो एक बड़ा अच्छा लगता है, पर यार अब जब घर में आते हैं ना तो जब अपने ही बंदे पता लगता है ना कि ऐसे बोल रहे हैं, सबसे ज़्यादा मन दोस्तों उस टाइम दुखता है। अगर मैं किसी चीज़ को बोल रहा हूँ ना कि मैं उधर जा रहा हूँ ठीक है, तो उसका मतलब यह है कि मैं उस प्लेस को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, एक्सप्लोर करने का मतलब है विजिट करना, तो यार इतना एजुकेशन मतलब एजुकेटेड हो रहे हो आप तो ये चला लो ना, इससे तो सीख रहे हो आप, पढ़ रहे हो तो पढ़ किस लिए रहे हो, पता हो आपको है नहीं का कुछ भी। चलो छोड़ो यार, क्यों बोला किसी को, अपना काम करो। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल, तो कैसे हो सभी, स्वागत है आपका फिर से एक और हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज हम जा रहे हैं अंब हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट ऊना और मेरा नाम है साहिल काजला और आज अंब का ब्लॉग बनाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से और पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे और अंब में जो जो कुछ नया है तो अभी मेरे को नहीं पता, पर अपनी साइड से मैं पूरा 100% देने की कोशिश करूंगा, पर मेरे को सपोर्ट तो वैसा मिलता नहीं है, पर फिर भी अपने इधर के प्लेसेस है तो वो मैं अच्छे से एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा। तो चलो बिना देर के आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट, तो मिलता हूँ आपको जाके सड़क में। फाइनली दोस्तों अभी हम निकल चुके हैं घर से, तो चलो देखते हैं क्या क्या आज देखने को आपको मिलता है अच्छा अच्छा ब्लॉग में। दोस्तों ये है हमारा गांव और ऐसे गांव में आपका भाई रहता है और ये है अंदौरा जो कि अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन है, उससे थोड़ा आगे आके मेरा गांव है, तो मैं जब भी बोलता हूँ अपने ब्लॉग्स में ही बोलता हूँ कि मैं अंब से रहने वाला हूँ, पर एक्चुअली अंदौरा साइड मेरे घर है आके। तो चलो पहले निकलते हैं, अंब पहुँच पे तो मेरे को लग रहा है कि पैदल ही जाना पड़ेगा, बट कोई ना कोई ऑटो मिल जाता तो अच्छी बात थी, तो बाकी देखते हैं ऑटो मिल गया ठीक है, वरना पैदल ही निकलते हैं। मेरे साथ है विक्की, विक्की हाय करते हैं, तो चलो चलते हैं आगे। दोस्तों ब्लॉग का ऐसा होता है ना कि जैसे हमारी अपनी पर्सनल लाइफ है वो हम आपके सामने एक्सपीरियंस शेयर करें अपना, तो यार बट ना मेरे को उस हिसाब से सपोर्ट कभी नहीं मिला अपने इधर के एरियो से, वैसे तो काफ़ी सपोर्ट मिलता है बट फिर भी यार आज अंब का पर्सनली ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ, तो यार मैं तो अपने सभी भाइयों से यही बोलना चाहता हूँ कि देखो अगर आप सपोर्ट करोगे ना, सपोर्ट का मतलब पहले तो ये है कि वीडियोस आप देखा करो और चैनल को सब्सक्राइब एक बार करके रखो, उससे मेरे को बेनिफिट नहीं होता। अगर आप सोचते हो कि आपका भाई बहुत ही कमाता है ना या यूट्यूब से बहुत ही पैसा बनता है, तो मेरे भाई मेरे साथ जा रहे हैं तो इनको पता ही है कितना पैसा मेरे को आ रहा है, चाहे मेरा चैनल मोनेटाइज है या नहीं है वो अलग बात है, बाकी यार प्रेजेंट कर रहे हैं अपने लोकल एरियो को, तो हम भी कहीं ना कहीं यार एक ऐसे कोने से उठना और हमारे हिमाचल में जिन एरियो से हम हैं यहाँ से कोई भी यूट्यूबर नहीं था, तो हम चलो कोशिश कर रहे हैं, तो आप सपोर्ट जरूर करना। तो चलो अब देखते हैं चलते हैं आगे। अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, ये है हमारे पंडित जी की शॉप, तो कोई भी सामान वगैरह लेना हो तो हम यहाँ से लेते हैं, तो चलो अब निकलते हैं, पता ही आपको कहाँ को निकलना है, बस इधर से जाएंगे अब। तो फाइनली अभी हम पहुँच चुके हैं अंब में आके दोस्तों, तो चलो साथ में आपको भी घुमाते हैं अपने दोस्तों। अभी यहाँ पे काम वगैरह था तो हमने काम वगैरह करवाया और थोड़ा और काम है, तो साथ साथ में ब्लॉग भी बनेगा, तो बने रहना आप ब्लॉग में, तो मिलता हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। तो फाइनली अभी हम पहुँच चुके हैं बस स्टैंड में और
देख सकते हो ऐसे कुछ आज की हमारा ब्लॉग रह रहा है। तो चलो देखते हैं इसके बाद कहाँ पे जाना है। अभी उन्नर रोड भी हमें थोड़ा काम है, तो वहाँ पे भी जाके ब्लॉग बनेगा। तो चलो देखते हैं आज के ब्लॉग में क्या क्या बनता है, तो बने रहना ब्लॉग में। मैं तो भाई हो भाई भाई बैठे हैं दो वहाँ पे ना, दूसरी ब्लू है ना, ब्लू टी शर्ट में बैठे हुए हैं, तो वो हंस रहे थे देख के तो मेरे को लग रहा है जानते होंगे। तो चलो अब आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या देखते हैं। और ये उन्नर रोड है, अभी हम उन्नर रोड को जा रहे हैं। ये उन्नर रोड है देखो सामने हो गया सैम्पी हो रही सैम्पी सा चुके हैं उन्नर रोड इस प्लेस पे आके। तो यार अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ पे शॉप पे, तो मेरे को बाइक के साथ थोड़ा काम है क्योंकि आईफोन की थोड़ी चीज़ वगैरह लेनी है। तो चलो चलते हैं। फाइनली दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं शॉप पे आके, जो कि अपने सन्नी भाई जी की शॉप है। तो आप देख सकते हो तो नाम वगैरह इनका पूरा बोर्ड वगैरह आ रहा होगा। तो चलो बिना देरी के अंदर चलते हैं और भाई से बात करवाते हैं। और यार चलो आपको बड़ा कुछ देखने को मिलेगा इस ब्लॉग में। तो चलो बिना देरी के चलते हैं अंदर, फिर मिलता हूँ मैं आपको अंदर जाकर। तो फाइनली दोस्तों अभी मैं पहुँच चुका हूँ भाई के पास, यहाँ पे आना था मैंने। तो यार एक्चुअली बात ये है कि मेरे को ये चाहिए था भाई, इसको क्या बोलते हैं OTG अडाप्टर है जो कि आईफोन का है। तो यार इसके बिना मतलब कि कोई भी हेडफोन ले रहा था मैं, जो कि ब्लूटूथ के थे, कोई भी वर्क नहीं कर रहे थे। तो मैं भाई के पास आया हूँ, तो बिना देरी के आपको भाई से मिलवाता हूँ। और भाई का भी कुछ ऐसा ही मेरे जैसा सीन है, तो चलो मतलब यूट्यूबर एक हिसाब से लगा लो कि इकट्ठे हो चुके हैं। तो चलो बिना देरी के भाई से मिलते हैं। हाय भाई। और साहिल काजला जी क्या चल रहा है? बस भाई ठीक, आप बताओ ठीक हो? आइए साहिल काजला जी आज हमारे पास आए हैं। थैंक यू सो मच भाई। चैनल को सब्सक्राइब करें साहिल काजला ब्लॉग्स, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें सनी जसवाल ब्लॉग को। जी भाई, तो मैं बता रहा था कि मतलब भाई से काफी अच्छी बात हुई थी, और मतलब भाई भी मतलब खुद एक यूट्यूबर है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, अभी हमें तो थोड़ा टाइम हुआ, लेकिन आपको तो काफी टाइम हो गया है। तो अभी तो हमें तो 6-7 महीने हुए हैं, और ये भाई तो 4-5 साल का काफी पुराना एक्सपीरियंस है इसके पास। जी, तो इसके वीडियो देखें जरूर, और अच्छे से अच्छे, और लाइक शेयर करें इनको, और इसके भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें जितना ज्यादा हो सकता है। जी, तो भाई काफी अच्छा लग रहा है आपके पास आके, और भाई जिस हिसाब से आप ट्रीट करते हो ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों कभी भी आप आना हो तो आंब में, तो भाई की शॉप पे एक बार जरूर विजिट करना। और भाई आपका चैनल है जो, उसका नेम क्या है एक बार बोलो? सनी जसवाल ब्लॉग्स करके है, या सनी मोबाइल हेड करके आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो वो आपको मिलेगा वहाँ से। बाकी मैं आपके चैनल का जो लिंक होगा ना, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आके विजिट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और हर तरह के फोन फाइनेंस करने हो, किस्तों पे लेना है, जो भी चाहिए वो सारी फैसिलिटीज हमारे पास मिलती हैं। ओप्पो वीवो सैमसंग एमआई एप्पल नए पुराने जैसे भी फोन चाहिए हो, तो वो कभी भी हमारे पास आके आप ले सकते हैं। तो अपना नंबर बोल दो एक बार, 9816780006 मेरा नंबर है। बाकी जो मैं डिस्क्रिप्शन में आप मेरा नंबर डाल सकते हो और दुकान का नाम डाल सकते हो। बाकी गूगल पे आप कभी भी सर्च मारोगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल। भाई वो जो मतलब कि थी वो क्या थी, मतलब कि मेरे को भूल गया उसका नाम। वो है आईफोन में अगर आपको जैक माइक वगैरह लगाना है, तो उसके लिए 3.5 mm के लिए आपको चाहिए होता है, तो ये आईफोन की आती है एक OTG केबल करके आती है इसमें। इसमें आप 3.5 mm का जैक एक साइड लगेगा, और एक साइड आपके आईफोन में जहाँ पे आप चार्जिंग की पिन लगाते हैं वो होगी। अच्छा भाई, मैं आईफोन से ना एक बात से बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, मतलब कि ना आईफोन बंदा ले तो लेता है, बट जो इसकी एक्सेसरी है मतलब बहुत ही ज्यादा महंगी है। तो आईफोन का मतलब है ही है कि जिसके पास आईफोन है तो उसके वो पैसे खुले खर्चने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें जो भी आपको परचेज करना है, कुछ भी म्यूजिक वगैरह ये करना है, तो उसके लिए आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। तो इसकी जो इतनी सी केबल ही है वही 1000 रुपए की ये केबल है जी। तो इसमें आप माइक को लगाने के लिए आपको सिर्फ इतनी सी केबल को ही 1000 रुपए देना पड़ेगा आपको। भाई मैं इस केबल के बिना बड़ा ज्यादा टफ था, क्योंकि पहले मैंने ना मतलब कम से कम भी ना 3-4 हजार मैंने ऐसे खर्च कर दिया। और एक मतलब कि ना बंदा करता है कि यार इतना ज्यादा मतलब एकदम खर्चना, उससे अच्छा है कि हम कम कम खर्चे। इसमें अब आपकी जो वॉइस है वो एकदम क्लियर होगी, अब आप जो भी देखोगे उसमें आपको कोई दिक्कत वगैरह नहीं आएगी, और कोई ऐसी दिक्कत आने भी नहीं चाहिए। भाई मैं इनको बता दूं, तो दोस्तों क्या होता है, एक्चुअली भाई ने मंगवाई है वो केबल ना, तो आज भी नहीं आई थी, मैं कल भी आया था, तो भाई ने ना खुद अपनी केबल मेरे को दे दी, अपनी पर्सनल केबल यार भाई ने खुद दे दी। भाई बोलते चल यार तू ये यूज कर ले मेरे वाली, इतना परेशान मत हो, तू ये यूज कर ले, तू जो जब नहीं आएगी तो वो मैं रख लूंगा, है ना। तो भाई इतना मतलब दिल से मैं आपको थैंक यू सो मच करना चाहता हूँ कि यार, है ना। तो देखा भाई का दिल तो ये है, भाई का दिल तो। बाकी चलो भाई से बात करते हैं, और आपने आपको भाई के बारे में पूरा पता लग गया है, तो चलो थोड़ी देर बात करते हैं, तो फिर मिलता हूँ मैं आपको थोड़ी देर के बाद। भाई कुछ बोलने आते हो? बस मेरे भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और हमें आगे से आगे हमारे शेयर लाइक और तो सपोर्ट करना, भाई को भी अच्छे से सपोर्ट करना, क्योंकि भाई भी काफी ज्यादा यात्रा करते हैं, और अभी इन्होंने
भाई क्या क्या कंप्लीट कर दिया आपने? मनी महेश यात्रा में जाके आया और मंडी का भी जाके वहाँ का मैं गया हुआ था। तो मंडी में एक शिकारी माता टेम्पल है और एक कमरू नाग करके जगह है, काफी अच्छी जगह है घूमने के लिए। तो आगे से आगे काफी अच्छी अच्छी जगह आपको घूमने के लिए मिलेंगी और लोकल भी आपने यूनिवर्सिटी में काफी कुछ कवर कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई के पास जितना टाइम होता है भाई आपके लिए ब्लॉग भी करते हैं, तो यार देखो एक काम के साथ साथ और ये ऐसा मतलब कि ब्लॉगिंग आपके लिए ब्लॉग भी डालते हैं, तो आप एक बार जरूर विजिट करना, आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी जरूर करके रखना भाई को। ठीक है भाई, है ना? ओके, बाय 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 बाय। ठीक है फाइनली दोस्तों, अभी हम देख सकते हो कि बस स्टैंड में है, तो अभी देखते हैं कि कहाँ को इस टाइम जाएंगे, तो जहाँ को भी जाएंगे वो भी साथ में ब्लॉग आएगा इसके, तो चलो बने रहना आप ब्लॉग में। तो देखते हैं कि आगे का ब्लॉग क्या रहता है और किस हिसाब से रहता है। तो फिलहाल तो अभी हम बस स्टैंड में हैं फाइनली दोस्तों, अभी बस में हूँ मैं, तो अभी हम निकले हैं बस स्टैंड से, तो चलो देखते हैं आगे क्या ब्लॉग बनता है। बट चलो कुछ ना कुछ लोकल लोकेशन और बताता हूँ मैं आपको, तो बाकी तो अंब का ब्लॉग था, तो फिलहाल चलो अब देखते हैं कहाँ को आपको लेकर जाते हैं, तो बने रहना, अच्छी अच्छी लोकेशन और बताता हूँ आपको। तो फाइनली दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं थड़ा में आके, तो ये थड़ा की लोकेशन है आप देख सकते हो, तो ये रोड जाता है अपना पंजोआ को और इधर से हम आए हैं और अब हम जाएंगे इस साइड को, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी आपको लोकेशन आगे देखने को मिलेगी। तो ये देखता हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में ऐड कर दूँ या इसी में करूँगा, तो देखते हैं कैसे रहता है। बट फिलहाल हम यहाँ पे कुछ खाने लगे हैं, तो कुछ पेट पूजा वगैरह कर लें, यार सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो खा पी के फिर हम इस रोड को निकलेंगे आगे को, तो बने रहना, देखते हैं आगे और क्या बनता है इस ब्लॉग में। दोस्तों अभी आप देख सकते हो चलते चलते हम आ चुके हैं शनिदेव मंदिर के पास, तो ये भी काफ़ी फेमस है थड़ा में, तो बारिश भी लगी हुई है और इतनी बारिश में आपके लिए ये ब्लॉग बन रहा है। और पर्सनली इस ब्लॉग में मैं और भी बातें आपके साथ एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहता हूँ कि यार देखो हम एक ऐसे गाँव लगा लो, डिस्ट्रिक्ट लगा लो, है ना, तो या हिमाचल प्रदेश लगा लो, क्योंकि हमारे हिमाचल प्रदेश के वैसे भी कोई यूट्यूबर्स नहीं है, ठीक है, तो हम ऐसे एक एरिया से उठ के बड़ा कुछ सुनना पड़ता है यार। आज अभी बस में मैं आया तो भी मेरे को काफ़ी कुछ सुनने को मिला कि ये ऐसे मतलब फ़ोन उठा के है ना पकड़ के ऐसे शुरू हो। दोस्तों देखिए आप इस टाइम मतलब कितनी अच्छी लोकेशन आ रही है, और थैंक यू सो मच मैं अपने आप को कहना चाहता हूँ कि इस जे वाला आज ब्लॉग बना रहा हूँ, देखो बारिश में कितनी अच्छी प्यारी लोकेशन आ रही है और मज़ा आ रहा है सच में यहाँ पे आके, और यहाँ पे मछलियाँ वगैरह भी काफ़ी है और लोकेशन देखिए कितनी प्यारी लग रही है। दोस्तों मैं नीचे से आता हुआ ब्लॉग बना रहा था, वो क्या हुआ था ना, मतलब जो इसकी बैटरी मतलब कि सॉरी फ़ोन की मेमोरी है वो फुल हो जाती है, आईफोन एकदम फुल कर देता है, तो दिक्कत बढ़ जाती है, तो अभी काटा बड़ा कुछ, फिर मैं दोबारा आया ब्लॉग में, तो अभी आप देख सकते हो इतनी अच्छी बारिश में हम भीगते ब्लॉग बना रहे हैं। और मैं अपने आप से थैंक यू करना चाहता हूँ कि आज मैं निकला हूँ, ताकि आज मैं निकला हूँ ना तो इतना अच्छा मतलब आपको भी मज़ा आ रहा होगा इस ब्लॉग देख के। बट यार हुआ क्या, जब हम बस में आ रहे थे ना तो मेरा मन बहुत ही ज़्यादा इस टाइम सैड है, क्योंकि यार ऐसा आज नहीं है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और बड़ा कुछ बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि इस बारे में मैं थोड़ा बोलूँ। तो इस बारे में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ना यार दोस्तों मेरे को कम से कम ना 4 साल हो चुके हैं स्ट्रगल करते हुए यूट्यूब पे, तो फिर भी यार बंदे ना बीच बीच में ऐसे है, बीच में क्या जहाँ पर पता ही नहीं है किसी को कि है क्या एक्चुअली ये चीज़। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि यार आज बस में आ रहे थे, तो मतलब अभी मैं ये नहीं बताऊँगा कि कौन था कौन नहीं, बट यही सुनने को मिल रहा था कि ये ब्लॉग कर रहा है ऐसे वैसे, है ना, तो कोई काम नहीं होता है ना, कोई धंधा नहीं है, तो ऐसे ही लग रहते हैं मोबाइल उठा के। तो यार मैं एक दोस्तों मैं जहाँ से हूँ ना, मैं हूँ हिमाचल प्रदेश ऊना डिस्ट्रिक्ट से, जहाँ से कोई भी यूट्यूबर आज तक निकला नहीं है, तो मतलब वैसे थे मतलब वही 2-4 दिन काम किया फिर छोड़ गए, तो आपका भाई प्रॉपर तरीके से कम भी 4 साल से वर्क कर रहा है यूट्यूब पे, तो मेरी तो बड़ी कोशिश होती है कि यार नहीं यार थोड़ा एक्सप्लेन करें अच्छे से बताएं, पर यार क्या करें, हमारा जो ये एरिया है ना जो बैकवर्ड जिसको बोल सकते हो इस नॉलेज में, इनको कुछ नहीं पता है कि क्या कर रहा है क्या नहीं, तो इनके लिए सरकारी नौकरी वाला ही एक मतलब परफेक्ट है कि नहीं यार वो काम कर रहा है बाकी कोई भी काम नहीं कर रहा। तो मैं बताना चाहता हूँ अपने सभी भाइयों को कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, साहिल काजरा मेरा नाम है, ऊना डिस्ट्रिक्ट अंब से मैं रहने वाला हूँ, तो मैं हूँ यूट्यूबर और यूट्यूब पे मैं अपने ब्लॉग्स डालता हूँ, मैं ब्लॉगिंग का मेरा काम है। तो यार ये चीज़ आप पता नहीं मैं कैसे समझा पाऊँगा, पर उम्मीद है आप समझते हो तभी मेरे को सपोर्ट करते हो। तो यार सच में यार बड़ा दुख लगता है जब ऐसी सुनने को बातें मिलती हैं, तो क्या बोल सकते हैं उस टाइम, कुछ बोल नहीं सकते, तो हम तो थोड़ा अपना काम ही करेंगे ना, पर यह है कि मेरी तो यही कोशिश रहती है कि
जितना हो सके अपनी नॉलेज दूं ताकि औरों को भी पता लगे और भी मेरे जैसे काम करे, मेरे से ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं वो यूट्यूब पे आके, और काफ़ी अच्छा खासा अपना मतलब एक हिसाब लगा लो आप, घर गाड़ियां हरी कुछ आप देखते ही हो कितने कितने बड़े यूट्यूबर हैं, तो उनकी तो पूरी मतलब एक राजाओं महाराजाओं वाली ज़िंदगी हो जाती है यूट्यूब पे वर्क करते करते। तो ये चीज़ पता नहीं मैं कैसे समझा पाऊँगा सभी को, पर फिलहाल मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेरे को यार किसी के कोई मतलब नहीं है, ठीक है, अपना काम कर रहे हैं, अपना खा रहे हैं, अपना पी रहे हैं, तो किसी से हमें क्या दिक्कत है। बट हाँ दुख लगता है, पर हाँ आप प्यार भी इतना करते होगे ना कि दुख का तो पता ही नहीं लगता है कि कहाँ गया कहाँ नहीं, बट फिर भी चलो। तो देखिए मैं यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे फंस चुके हैं हम, तो बारिश काफ़ी ज़्यादा लगी है और ये लोकेशन काफ़ी अच्छी लगती, तो मैं इसलिए आपको यहाँ पे लेकर आया हूँ पहले कि यार आपको कुछ अच्छे से बताऊँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी मछलियाँ होती है बड़ी बड़ी, तो मैं आपको यहाँ पे घुमाना चाहता था पर क्या करूँ बारिश लगी हुई है और ये आप देख सकते हो सभी काम चला हुआ है यहाँ पे। तो चलो देखते हैं अगर बारिश हटती है तो अच्छे से यहाँ पे वीडियो वगैरह फोटो वगैरह क्लिक करके फिर चलेंगे आगे। विक्की सुनाए फिर कुछ। हाँ भाई, घर से निकला था मुश्किल रास्तों पे कुछ भाइयों कुछ दोस्तों के साथ, घर से अकेला निकला था कुछ भाइयों कुछ दोस्तों के साथ, चलते चलते सभी ने दिया प्यार, अपने छोड़ गए वो भी है किसी और के साथ, क्या बताएं यारो अपने दिल का, ऐसा ही है आपके भाई साहिल कायला का हाल। फाइनली दोस्तों काफ़ी टाइम हो गया हमें यहाँ पे वेट करते करते और अभी तो काफ़ी टाइम हो चुका है, कम से कम भी 40 से 50 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे बैठे बैठे, तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और यार घर भी आना है तो बस लेनी पड़ेगी अब जाके। तो यार मैंने सोचा था कि अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे अपने लोकल की लोकेशन, फिर पता नहीं यार कहाँ का टूर बन जाएगा, क्योंकि अभी थोड़े दिन के बाद मैं मतलब कि मणिमहेश यात्रा भी लगाऊंगा, तो चलो देखते हैं कैसे रहता है। बट यार अभी तो टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और मैंने आपको काफ़ी कुछ बताना था यहाँ पे, तो बस कुछ भी नहीं होगा तो भाई चले फिर अब, क्योंकि अब फ़ायदा नहीं है यार क्योंकि बस भी लेनी है ना अभी दोस्तों। अभी बस लेने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ तो थोड़ी मतलब ना हेल्थ ऐसे लग रही है, बट यार यही बात है कि कभी किसी को कम ना समझो भाई, पता क्या चक्कर है पता नहीं कौन कैसे चला है ना, तो किसी को हम गलत नहीं बोल सकते बिना उसको समझे या बिना उससे बात किए हुए, तो हम उसके दिल का कैसे भेद ले सकते हैं, फिर भी हम उसको बिना मतलब के ऐसे किसी को भी कुछ भी बोले ना, तो हमें 100 बार सोचना चाहिए बोलने से पहले कि हम जो बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं, क्योंकि यार आज का टाइम ऐसा है ना कि आप मेरी फैमिली हो सभी, ठीक है, तो यार कल को आप में से भी मतलब यूट्यूबर्स निकल सकते हैं, है ना, तो या मतलब आप भी कुछ अपनी ज़िंदगी में ऐसा कर सकते हो कि कभी आपने सोचना होगा और कल को जो आपको बोल रहे हैं ना तो उनकी मतलब बोलती बंद हो जाए, तो आप में से भी बस अपने में हौसला रखना और चढ़ने की मतलब कोशिश करना, क्योंकि अगर आप रुकोगे ना तब भी मतलब कि मरोगे, तो अगर आप पीछे हटोगे तो एक नामर्दी वाला काम हो जाएगा। तो मेरे को 4.5-4.5 साल हो चुके हैं यूट्यूबर करते हुए, तो मैं अपने लाइफ में कभी भी हार नहीं मानता हूँ, मैं एक कंटेंट देता ही हूँ कि नहीं यार कंटेंट डालना ही डालना है, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि बिल्कुल ही मतलब सैड हो चुके होते हैं, तो आज भी वैसा ही है कि बहुत कुछ आपके भाई को सुनने को मिला, तो चलो मैं अपने दिल पे तो नहीं लेता हूँ ऐसी बातें, पर हाँ कि जितना होगा यार करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, बस अपनी लाइफ में आए हैं तो कुछ ऐसा करेंगे जिससे यार मतलब एक अब खुद को भी लगे नहीं यार कि ऐसी कुछ नहीं कर रहे हैं हम, तो ऐसा ही है, तो जिंदगी करने की कोशिश है ज़िंदगी में यार, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिली है बार बार तो मिलने वाली नहीं है, तो यार कुछ ऐसा करो जिससे यार आपको प्यार मिले, आपको सभी प्यार करें, है ना, क्योंकि कुछ लेके नहीं जाना यहाँ से, सब कुछ यहाँ पे रहना है, बस जाएगा तो ओनली एक आपका नेम आपके साथ जाएगा कि हाँ भाई बंदा वो गया है और वो ऐसे ऐसे था वो वैसे वैसे था, तो बस इसी उम्मीद से चलो बस अब निकल रहे वाला हूँ मैं घर से, मेरे घर में निकलने वाला हूँ, तो अब मेरे से बात नहीं हो रही है क्योंकि तो अभी मतलब कि आप देख सकते चौक में पहुँच चुके हैं, और जो कि अम्ब का कॉलेज है और अम्ब का हॉस्पिटल है वही साइड है, चाचू जी देख के हंस रहे हैं चाचू जी है, तो इस साइड मतलब अम्ब का कॉलेज और मतलब अम्ब का हॉस्पिटल इस साइड है, वो इस साइड अपना हाई स्कूल है मतलब सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो कि अम्ब का स्कूल है वो इस साइड है नहरिया रोड जाके, बस यही है। तो चलो आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो यार इसको ज़रूर लाइक करना, बाकी जो अम्ब का ग्राउंड है वो इस साइड है दो रोड आके, और ये गुरु रविदास जी का मंदिर है जो कि बहुत अच्छा है, तो देख सकते हो आगे मेरा भाई भी चला हुआ है, तो ये भी बोलेगा एकदम ब्लॉग में ले लिया इसको, तो ये देखो ये है गुरुदास जी का मंदिर, तो चलो भाई चले हुए हैं, भाई से भी मिलते हैं। ओ भाई कैसे हो और ठीक हो, तो
भाई मिल चुके हैं। और भाई भाई काफी स्पोर्ट करते हैं। भाई कैसे हो? अपना शुभ नाम बता दो एक बार। मेरा ध्रुव नाम है। जी जी, मैं ऐसे ही मतलब की ना ब्लॉग बना रहा था चलते चलते। हाँ जी, बस ऐसे ही मतलब की लोकल अपने अम्ब का, अम्ब हिमाचल प्रदेश ब्लॉग। तो मैंने इसमें काफी कुछ यूनिक करने की कोशिश की है ब्लॉग में, तो आप देखना है ना। तो और सुनाओ, ठीक है? चलो फिर मिलेंगे ना, फ्री हो गया ना। ठीक है। तो दोस्तों ये है मतलब हम मेरा दोस्त ही है, तो ये भाई काफी सपोर्ट करते हैं। तो हम ऐसे एकदम देखो ब्लॉग बनाते बनाते मिल गए। और देखिए यार पानी कितना आ चुका है अम्ब में, अम्ब खड्ड में पानी आ चुका है। दोस्तों जब बारिश वगैरह होती है ना, तो जरा सी ज़्यादा बारिश होगी ना तो ये फुल होके आती है। और मैंने अपनी आंखों से पानी वहाँ तक मतलब उछलता हुआ देखा है, तो काफ़ी पानी आता है इसमें। तो ये है गुरुदास मंदिर जो कि अम्ब का। तो बाकी ये सामने रामलीला ग्राउंड है, यहाँ पर रामलीला होती है, तो वो भी बताता हूँ आपको आगे जाके। तो ऑटो लगा हुआ था, मैंने सोचा घर को चलते हैं। तो ये देखो, तो ये काफ़ी फेमस अम्ब का रामलीला ग्राउंड यहाँ पे होती है रामलीला। और दशहरा रावण यहाँ पे फूका जाता है जब दशहरा होता है, तो सामने यहाँ पे बनाए होते हैं पुतले। तो चलो आगे बताता हूँ आपको जाके अम्ब का ग्राउंड। दोस्तों मेरे हमारे घर भी यहाँ पे ही है अंदोरा रोड आगे जाके, तो मैंने आपको बताया ये ब्लॉग में स्टार्टिंग में। तो चलो चलते चलते देखते हैं आपको ग्राउंड बताते हैं, तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं। फिर ये है कि इस साइड ही रेलवे स्टेशन है, जो कि अम्ब रेलवे स्टेशन है, वो भी इस साइड है। तो काफ़ी कुछ आपको क्लियर हो गया होगा इस ब्लॉग में। तो यार मैं ना खुल के ब्लॉग नहीं बनाता हूँ अपने लोकल एरियो में, क्योंकि मैंने आपको बताया ये है कि यार एक ऐसे उठना, क्योंकि हमारे इधर का कभी भी यूट्यूबर कोई उठा नहीं है। तो फाइनली ये है अम्ब का ग्राउंड। तो अब मैं निकलने वाला हूँ घर को। हालत बहुत बुरी हुई है, क्योंकि यार भीग चुके हैं पूरे बारिश में, और टाइम भी 4:30 से ऊपर हो चुका है। तो यार मैं पहले भी, मेरी वैसे भी सेहत ठीक नहीं है, और आज फिर से बारिश में भीग गया हूँ, तो बीमार हो जाऊँगा। तो मेरे को लग रहा है ऐसे बड़ा उठ सा फील हो रहा है। तो यार ऐसा कुछ आज का हमारा ब्लॉग था। तो यार और मैं बताना चाहता हूँ कि यार ऐसे है ना कि लोकल ब्लॉग्स मैं इसलिए नहीं करता हूँ कि बंदे देख के बोलते हैं कि यार ये क्या कर रहा है ऐसे वैसे, है ना, क्योंकि यार हमारे इधर टूरिस्ट प्लेस है नहीं। अगर है तो मतलब वो इतने बड़े कभी यूट्यूबर कभी यहाँ पे आए भी नहीं, है ना। तो मतलब आधे बंदों को तो पता ही है, पता सभी को होता है कि क्या चक्कर है, बट यूट्यूबर खुद मतलब कि वो एक बाहर है, उन ज़्यादा क्रेज है उनमें। तो यही क्या हाल चल, तो बस ऐसा कुछ है। तो दोस्तों अभी हमें ऑटो मिल चुका है घर को जाने के लिए, तो ये भाई अपने गाँव के हैं, तो देख सकते हो। तो हम अभी आ रहे हैं घर को। तो ऐसा कुछ आज का हमारा ब्लॉग था, और अभी मेरे को फील हो रही है क्योंकि मैं देखे सारी बैठी हुई थी, तो मैंने बोला चलो करता हूँ ब्लॉग। तो ये है हमारा रेलवे स्टेशन जो कि आमका है, तो आप अगर आओ तो ये है रेलवे स्टेशन आमका, देख सकते हो। तो ऐसा कुछ आज का हमारा ब्लॉग था, तो चलो अब चलते हैं घर को। तो अगर आपको आज का हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो चल भी आपको अच्छा लगा हो ना, तो इस ब्लॉग को कर देना लाइक, चैनल को बनाना सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन प्रेस करना। तो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। गाना तो मेरे को आ गई है, तो जरा इन्होंने उतरना था। तो चलो हाँ, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर।